गुड मॉर्निंग राधे राधे ऑल फैमिली यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो मैं पूनम स्वागत करती हूं आप सभी का अपने एक और न्यू ब्लॉग में। तो अभी यहां पे ले रही हूं मैं गर्म पानी और इसके बहुत बहुत बड़े फ़ायदे देखने को मिलते हैं, आप भी लीजिएगा हर रोज़। गुड मॉर्निंग ऑल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सभी को राधे राधे, मैं पूनम स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने न्यू ब्लॉग में। तो आज मॉर्निंग हो चुकी है और आज है सैटरडे, सैटरडे है ना आज। हाँ आज सैटरडे है। काम के चक्कर में मैं भूल ही जाती हूँ कि आज क्या दिन है, क्योंकि तो दिन का नाम ही भूल जाती हूँ। तो आज सैटरडे है और आज मैं उठी हूँ 6:30 बजे, क्योंकि आज हस्बैंड घर पे है नहीं, बच्चे हैं, तो आज बच्चे भी स्कूल नहीं जा रहे हैं। क्योंकि आज निमिषा के गले में थोड़ी खराश वगैरह हो रही है, हेडिक, और मेरा भी थोड़ा सा हेडिक वगैरह हो रहा है। तो वैसे मैंने गुनगुना पानी और अपनी एफ्रेश यानी जो मेरी ग्रीन टी है वो मैंने ले ली है। और अभी टाइम हो गया है 8 बज गए हैं, और ये जो मैंने बहुत सारे कपड़े धुले थे गाइस, क्योंकि 2-3 दिन से मैंने कपड़े नहीं धुले थे। 2 दिन अगर मैं कपड़े ना वॉश करूँ ना तो बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं घर में, चट्टा लग जाता है, बहुत सारा ढेर लग जाता है। तो ये बहुत सारे कपड़े मैंने धुले थे, तो सबको मैं सोच रही हूँ हस्बैंड के जो कपड़े हैं इन पे तो प्रेस होगी, तो इन पे प्रेस करके रखूंगी। बाकी बच्चों के सारे कपड़े मैंने रख दिए हैं अंदर कवर्ड में लगा दिए हैं गाइस। और मैं झाड़ू पोछा करके बस अभी नहाने जाऊंगी। और मैं लड्डू गोपाल को भी पानी दे दिया है, यश भी ने दिया है आज पानी, और बस थोड़ा सा उनके लिए कुछ खाना पीना बनाएंगे। और आज देखो किट्टू लगा रही है पोछा गाइस। बच्चों का काम तो बच्चों का ही रहता है, फिर भी मुझे जरूर लगाना पड़ता है। थोड़ा सुबह सुबह लगाओ बेटा, ऐसे गीला गीला ना लगाओ, बहुत गीला हो रहा है पोछा। थोड़ा तेज अच्छे से ना टाइट करके निचोड़ के लाया करो, ठीक है। स्कूल नहीं जा रही है तो मैंने सोचा चलो छोटे छोटे काम करवा लिए जाए, काफी बड़ी हो गई हैं तो ये छोटे छोटे काम, झाड़ू पोछा, छोटे छोटे बर्तन वगैरह, गिलास वगैरह, ये साफ मैं इनसे करवाती हूँ और ये करती हैं। तो आज मैं जाऊंगी मार्केट में थोड़ा सा कुछ सामान लेने के लिए, क्योंकि कल को जो है होली अष्टमी का व्रत रहेगा मेरा। बच्चों के लिए जो रखा जाता है ना बस वही रखूंगी। तो लड्डू गोपाल भी है ना मेरे घर में, तो मैं उनके लिए भी रखूंगी और अपनी दोनों बेटियों के लिए भी। तो कल होली अष्टमी है तो उसके लिए बस थोड़ा सा सामान मुझे चाहिए होगा, थोड़ा पूजा के लिए, और बच्चों के लिए भी थोड़े कपड़े देखूंगी, और या तो लड्डू गोपाल के लिए कपड़े लेकर आऊंगी। देखूंगी कैसे कैसे हिसाब बनेगा, ये तो मार्केट में जाके ही पता चलेगा, अभी पक्का नहीं है कि बच्चों के लिए कपड़े लेकर आऊंगी। लेकिन गोपाल जी के कपड़े तो जरूर लेकर आऊंगी, लड्डू गोपाल के कपड़े जो है वो जब से आए हैं वही कपड़े पहन रहे हैं। तो मैं सोच रही हूँ एक जोड़ी कपड़े अपने लड्डू गोपाल के लिए जरूर लेकर आऊंगी, दो जोड़ी। तो इस बार मैं रेड कलर के कपड़े लेकर आऊंगी, और पहले मैं ग्रीन कलर के कपड़े लेकर आई थी बाबू के लिए। नाइट सूट भी आएगा बाबू का। ऐसे तो बहुत सारी चीजें हो जाती है बेटा, ऐसे क्या क्या लाऊंगी मैं। बाबू को रात में कुछ और पहनाते सुलाते हैं, मैंने देखा है। मतलब खुद भी पहन के सोती है तो बाबू भी नए का दूसरे कपड़े पहन के सोएगा रात में, है बार बार उसके कपड़े ही चेंज करती रही हो। तो फ्रेंड हम लोग जा रहे हैं आज मार्केट, तो कल को होली अष्टमी का व्रत रहेगा मेरा। तो ये मेरी बड़ी बेटी है यशवी, तो ये मेरे साथ में जाएगी। तो मेरा मन तो था कि मैं यहीं से शॉपिंग करूँगी, और शॉपिंग क्या करनी है बस इनके लिए मुझे शूज़ वगैरह और थोड़े कपड़े वगैरह देखने हैं, क्योंकि अब सर्दियाँ भी आ रही हैं तो सर्दियों में भी काम देंगे। और जो पिछले साल के कपड़े हैं वो भी निमिषा के जो हैं यानी यशवी के, वो छोटे हो चुके हैं, तो मैंने सोचा कि नए कपड़े देख लेती हूँ, अब काफ़ी बड़ी भी हो गई है। तो मैंने सोचा था मैं अपने घर के बराबर में जो मार्केट है वहीं से देखूंगी, लेकिन नहीं, मेरी जो यशवी है इसको बहुत जिद थी कि नहीं मम्मी मुझे आपके साथ स्कूटी पे घूमने जाना है, बहुत टाइम के बाद आपने कोई भी राइड मुझे नहीं कराई है स्कूटी पर। तो मैंने सोचा चलो फिर इसी बहाने में प्रकाश नगर घूम भी आती हूँ, और इधर एक पतंजलि का एक स्टोर पड़ता है तो वहाँ से भी मुझे साबुन वगैरह लेकर आना है, जो बाथिंग सोप होता है, और एक बर्तन बार लेकर आना है। तो मैं उधर जा रही थी तो इसने मुझे याद दिलाया कि मम्मी मेरे स्कूल में कंपटीशन भी है, तो मुझे एक दिया भी चाहिए डिज़ाइन वाला और डेकोरेट करने के लिए। तो हम बस वही लेने के लिए यहाँ पे गए थे, लेकिन वो हमें यहाँ पे नहीं मिला। एक जगह मिला भी था तो वो टूटा हुआ था यानी चटका हुआ था, तो वो हमने नहीं लिया, रिजेक्ट कर दिया था। और बाकी बहुत सारे सजावट है दियो की, क्योंकि दीपावली आ रही है तो पूरा मार्केट दियो से सजा हुआ है, और आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है मार्केट में। दीपावली पे तो कुछ अलग ही रौनक होती है, तीज त्यौहार में बहुत अच्छी रौनक होती है मार्केट के अंदर, और बहुत ही अच्छा मन लगने लगता है वहाँ पे।
कि ये शॉप मिला था और यहाँ पे हमने देखे हैं शूज़ इसके लिए, तो दो तीन तरह के शूज़ देखे थे, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं लगे क्योंकि ये फर थी, तो मुझे कहीं ना कहीं ये डाउट था कि ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाएंगे। तो मैंने सोचा इतने महंगे भी बता रहे हैं भैया और जल्दी ख़राब भी हो जाएंगे, तो मैंने इन्हें लेना मतलब स्किप कर दिया, मैंने नहीं लिया इनको। लेकिन पसंद तो आ रहे थे, शूज़ का जो डिज़ाइन था, जो शेप था, वो बहुत ही अच्छा था, तो बहुत ही मन को भा रहे थे शूज़, लेकिन मैंने नहीं लिए। फिर मैं चली गई थी कंबल और मैट की शॉप पर, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे मुझे कवर भी लेना था रज़ाई का, तो मेरी जो रज़ाई है पुरानी हो गई है काफ़ी, यानी शादी की मेरी रज़ाई है, तो उनके जो कवर हैं उन पे मैंने दो तीन बार कवर चेंज कर दिए हैं, तो वो फिर से मुझे चेंज करने हैं, यानी मुझे अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने ये कवर देख रही हूँ मैं रज़ाई के लिए, तो ये कलर मेरे पास है, तो इन्होंने बहुत ज़्यादा महंगा दाम बहुत ज़्यादा बताया था, तो इसलिए मैं इन्हें नहीं ले पाई क्योंकि अभी मैं इतने ज़्यादा पैसे नहीं लेकर गई थी। तो इन्होंने जोड़ा बताया था 700 का, सिंगल रज़ाई का एक जोड़ा बताया था इन्होंने 700 का, तो मैं नहीं लेकर आई हूँ। और मैंने मैट वगैरह भी देखी, तो मैट भी इन्होंने 350 रुपये की बताई थी, जबकि वो टाउन हॉल मार्केट में 200 समथिंग मिल जाती है। तो प्रकाश नगर का काफ़ी बड़ा मार्केट है गाइस, तो यहाँ पे आ गई थी मैं निमिषा के लिए, यानी यशवी और किट्टू के लिए देखने के लिए थोड़े गर्म कपड़े, तो मैंने इनके जो गर्म ट्राउज़र वगैरह होते हैं वो लिए हैं यहाँ से दो। तो फिर हम आ गए थे अपने घर की तरफ बाली मार्केट में, यानी वापस आ गए थे वहाँ से, हमने कुछ नहीं ख़रीदा था, बस दो ट्राउज़र लेकर आई थी यशवी और किट्टू के लिए, और मैं अपने लिए कुछ नहीं लाई थी। और यहाँ पर आ गए हैं हम शॉप पर शूज़ देखने के लिए, तो यहाँ पर शूज़ और चप्पल वगैरह कंपनी के मिलते हैं, यानी गारंटी के मिलते हैं और ज़्यादा भी चलते हैं, क्योंकि मैं और मेरे बच्चों को मैं यहीं से शूज़ वगैरह स्कूल के लिए भी सब कुछ यहीं से ही लेती हूँ। तो हम फिर से वापस लौट के अपने घर के पास वाली मार्केट में आ गए थे, तो यहाँ पे हमने लिए हैं निमिषा और किट्टू के लिए दोनों के लिए सेम कलर के शूज़, यानी एक नंबर छोटा है एक नंबर बड़ा है, यानी जो किट्टू है वो मेरी छोटी बेटी है, तो उसके लिए मैंने एक नंबर छोटा शूज़ लिया है, और जो मेरी बड़ी बेटी है उसके लिए एक नंबर बड़ा शूज़ लिया था। सो, ये ज्वेलरी शॉप है, और यहाँ पे आई थी मैं लड्डू गोपाल जी के लिए टॉप्स यानी इयररिंग ख़रीदने के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने उनके इयररिंग चेंज नहीं किए हैं, जो पहले थे वो बड़े थे काफ़ी, तो अभी मैंने छोटे छोटे उनके लिए ले लिए हैं। और वैसे मैं यहाँ पे ख़ास तरीके से आई थी उनके लिए कपड़े देखने के लिए, नए न्यू कपड़े, क्योंकि कल होली अष्टमी का मेरा फास्ट रहेगा, तो मैंने सोचा लड्डू गोपाल के लिए भी न्यू कपड़े ख़रीद लूँ, लेकिन वो मुझे यहाँ पर नहीं मिले। तो फिर मैं घर आ गई थी, और ये अभी शाम का टाइम है इवनिंग का। सो गाइज, अभी आपको मेरा ब्लॉग कैसे लग रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताते रहिएगा। अगर मेरे चैनल पे आप लोग नए आते हैं तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा मेरे वीडियो को, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बाकी अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।